3, 2, 1. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत 24 जनवरी को गुरुवार के दिन रिलीज की गई। संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म में रणवीर की अदाकारी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। फिल्म में रानी पद्मावत की भूमिका में है दीपिका। फिल्म में सीमाओं तक ढकी नजर आ रही है। वहीं सिर्फ आंखों के जरिए दीपिका अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। शाहिद की एक्टिंग में दर्शकों ने राजपूतों वाला धैर्य और साहस महसूस किया। शाहिद ने फिल्म में काबिले तारीफ का। इस फिल्म के दर्शकों को पद्मावत का बेसब्री से इंतजार था। करणी सेन फिल्म का विरोध करती रही और धमकाती रही, लेकिन फिल्म रिलीज होते के साथ ही दर्शक फिल्म देखने थिएटर्स में जा चुके। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला बंसाली की फिल्म गुरुवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहा है। पीवीआर सिनेमा, आईनॉक्स, कार्निवल सिनेमा और मेट्रोपोलिस में सिनेमा में देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ रही। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हिंसात्मक प्रदर्शन होने के चलते फिल्म असफल रही। वाया कॉमेडी मोशन पिक्चर्स के को प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के मुताबिक 1 मिलियन लोगों से ज्यादा भारतीयों ने फिल्म देखी। पद्मावत 4000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी, वही 12,000 स्क्रीन पर पेड प्रीव्यू किया गया था। इसके चलते फिल्म को बुधवार को 5 करोड़ रुपए कमाए। माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन में करीबन 20 करोड़ रुपए कमाने में सफल हो सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि सिर्फ पेड प्रीव्यू के जरिए दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत ने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म पब्लिक को तो खूब पसंद आ रही है, वही फिल्म क्रिटिक्स की पद्मावत को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वीकेंड आते आते संजय लीला बंसाली की ये फिल्म 100 करोड़ रुपए जटा सकती है, यानी अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म पद्मावत 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।